हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम कैम छो। मेरा नाम है अल्केश देसाई और टेक्नोटॉक हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप अपनी पुरानी लॉक स्क्रीन से बोर हो चुके हैं और आप कोई अच्छा सा चेंज चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए जिस ऐप का रिव्यू लाया हूँ, ये ऐप आपको लॉक स्क्रीन से ही इतने सारे फीचर्स अलाउ कर देता है कि शायद आपको आपके फ़ोन को अनलॉक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप सारे बेसिक फीचर्स आपके लॉक स्क्रीन से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पर पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियोस लाता रहता हूँ। तो इस एप्लीकेशन का नाम है स्टार्ट, मैं आपको प्ले स्टोर में दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके 10 मिलियन डाउनलोड्स है और 4.3 की रेटिंग है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डाउनलोड्स है और बहुत ही अच्छी रेटिंग है। तो चलिए इस ऐप को ओपन करते हैं। तो आप जैसे ही ऐप को स्टार्ट करेंगे आपको इस तरह से कुछ लॉक स्क्रीन इंटरफेस नज़र आ जाएगा। इसको मैंने अपनी तरह से थोड़ा मॉडिफाइड किया हुआ है, पर आपको सिमिलर इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे नोटिफिकेशन आया हुआ है। बस मुझे नोटिफिकेशन को रीड करना हो तो सिंपली मुझे नोटिफिकेशन को क्लिक करके उसको राइट स्वाइप करना है। तो आप देख सकते हैं मेरा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरी सारी नोटिफिकेशन रिमूव हो जाएगी और यहाँ से नोटिफिकेशन का सिंबल चला जाएगा। अब आपको YouTube ओपन करना हो तो इसको राइट स्वाइप कीजिए तो आपका YouTube ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आपका Gmail भी ओपन हो जाएगा। अगर आप म्यूज़िक प्ले करना चाहें तो यहाँ से आप म्यूज़िक प्लेयर भी ऑन कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस लॉक बटन को प्रेस करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, जैसे कि कैमरा, कॉलिंग, SMS, फेवरेट ऐप्स, अनलॉक या फिर गूगल सर्च, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको अपनी तरह से मॉडिफाइड किया हुआ है तो मैं आपको मेरे सेट किए हुए फीचर्स दिखा देता हूँ। तो मैंने कैमरा के अंदर कैमरा और गैलरी को रखा हुआ है, फिर मैंने कॉल के अंदर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स को सेट किया हुआ है, फिर मैंने मैसेजिंग के अंदर फेसबुक, हाइक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को रखा हुआ है, मैंने फेवरेट ऐप्स के अंदर गूगल क्रोम, MX प्लेयर, जेंडर और शोबॉक्स को रखा हुआ है। और यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं, यानी कि आप लॉक स्क्रीन से ही बहुत सारी ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको मॉडिफाइड करना हो तो बस आपको राइट से इनसाइड स्वाइप करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे इसकी गैलरी में से भी बहुत सारे बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर से बहुत सारे अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से पॉपुलर या फिर कैटेगरी में जाके भी बहुत से वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप आपके फ़ोन में से भी कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ से सिर्फ सिलेक्ट वॉलपेपर पे जाना है और कोई भी अच्छा सा वॉलपेपर यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो अगर आप अपने फ़ोन को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं तो आप सिक्योरिटी में जाके अपने फ़ोन को लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पिन या फिर पैटर्न लॉक का ऑप्शन दिया गया है, तो मान लीजिए मैं पैटर्न लॉक को सेट कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ये नज़र आएगा कि आप अपने पैटर्न लॉक को लॉक स्क्रीन से पहले रखना चाहते हैं या फिर किसी भी ऐप को ओपन होने से पहले। अगर आप इसको मार्क कर देंगे तो आप जैसे ही लॉक स्क्रीन पे जाएंगे आपको पहले पैटर्न पूछेगा, पर अगर आप इस ऑप्शन को अनमार्क कर देंगे तो आपको लॉक स्क्रीन पे पैटर्न का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। पर आप जब भी किसी भी ऐप को ओपन करना चाहेंगे तो आपको पैटर्न का ऑप्शन नज़र आएगा। तो मैं यही प्रीफर करता हूँ, मैं इस ऑप्शन को अनमार्क कर देता हूँ। तो इस ऐप को आप जैसे चाहे वैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं और अपने सारी इंपॉर्टेंट ऐप को अपने लॉक स्क्रीन से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू टेक्नोटॉक। थैंक यू सो मच।